بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह का फजल व करम और उसका एहसान है कि हम इस वक्त मस्जिद में हैं, एतिकाफ में हैं, आखिरी अशरे में हैं और अल्लाह के दीन की बात सुनने और सुनाने के लिए इस वक्त जमा हैं। ऐसी मुबारक जगह पर, ऐसे मुबारक काम के दौरान हम अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला जो कुछ भी हमारी ज़बान से कहलवाएगा हम सब को उस पर अमल की तौफीक से भी नवाजेगा। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में अपनी नेमतें तमाम इंसानों के दरमियान तकसीम कर दी। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर दर्जे का नहीं बनाया। कल सूरह शूरा की आयत पढ़ी गई थी जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे को एक दूसरे से कमतर और बुलंदतर बना दिया है। लियत्तखिज़ बअज़ुहुम बअज़न सुख़रिया, ताकि तमाम लोग एक दूसरे से काम ले सकें और जो उनमें बड़े हैं वो छोटे को ताबे बना सकें। जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है लेकिन काम की सलाहियत नहीं दी है वो उन लोगों के काम आ सकें कि जिनको अल्लाह ने माल नहीं दिया है लेकिन काम की सलाहियत दी है तो उनसे काम ले सकें और उनके लिए मालिया की फराहमी कर सकें। अल्लाह ताला ने दुनिया का ये निज़ाम बनाया और बड़ा सईद है वो इंसान, बहुत नेकबख्त है वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने माल व दौलत से नवाजा हो। निअमल मालु सालिहु लिर्रजुल सालिह, अच्छा माल कितना अच्छा होता है उस शख्स के पास जो खुद भी अच्छा हो। निअमल मालु सालिहु लिर्रजुल सालिह, हलाल माल हो, हलाल तरीके से कमाया गया हो और ऐसे शख्स के पास हो जो उसको हलाल तरीके से खर्च करने वाला हो, जो उसमें अल्लाह का हक जानने वाला हो। इसलिए जिस शख्स को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जानिब से ये नेमत अदा की है उसे हर लम्हे अल्लाह का शुक्र गुज़ार होना चाहिए कि जो अल्लाह इस बात पर कादिर था कि रातों रात फ़कीर बना देता, इंसान को चौराहे और फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर देता, तमाम नेमतों से बेदखल कर देता, अपनी कमाई हुई दौलत से महरूम कर देता, उस अल्लाह ने माल की हिफाजत फरमाई है और कार खैर की तौफीक से नवाजा है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हसद किया जा सकता है, रश किया जा सकता है तो सिर्फ दो लोगों से किया जा सकता है, दो लोगों पर। ला हसद इल्ला फिस्नतैन, सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो रश्क के काबिल हैं। रजुल आताहु अल्लाहु मालन फअनफकहु फी सबीलिल्लाह, एक ऐसा शख्स के जिसको अल्लाह ने माल दिया है तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। ورجل آتاه الله علما فنشره او كما قال صلى الله عليه وسلم, और एक ऐसा शख्स के जिसे अल्लाह ने इल्म दिया है और वो उस इल्म को आम करता है, लोगों के दरमियान फैलाता है। और ईमान वालों की खूबी ये होती है
कि والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون, कि ये वो लोग होते हैं जो कुछ देना है अल्लाह के राह में देते हैं इस कैफियत के साथ कि उनके दिल डरते रहते हैं कि एक दिन अपने रब से मिलना है, उस नियत का भी हिसाब देना है जिस नियत से हमने किसी दूसरे को फायदा पहुंचाया, दूसरे की मदद की, उस कैफियत का भी हिसाब देना है और अपनी उस जबान का भी हिसाब देना है जो देते वक्त हमने इस्तेमाल किया था। बहुत से वो लोग हैं जो लोगों पर खर्च करते हैं लेकिन उस वक्त खर्च करते हैं जब उनकी तरफ से सवाल हो और उस वक्त खर्च करते हैं जब वो एहसान मंद हो और खर्च करते वक्त उस पर ताज़ा ताज़ा भी एहसान रख देते हैं और कभी कभी उसके दिल को तकलीफ भी पहुंचाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुबतिलु सदकातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, अपने खर्च किए गए माल को सदक़े को बर्बाद मत कर दो, ज़ाय मत कर दो एहसान जताकर और तकलीफ़ पहुंचाकर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि कोई शख्स हो जो किसी पर खर्च कर रहा हो और साथ ही उसे ये भी उम्मीद हो कि हमारा शुक्रिया अदा किया जाए, हमारा एहसान मंद हुआ जाए। कुरान मजीद ने भी इस तरफ इशारा किया वला तमनुन तस्तकसिर, एहसान मत करो, एहसान मत जताओ, कि किसी पर एहसान मत करो ये सोच करके तुम्हें उससे ज़्यादा का बदला मिले, बंदे की तरफ से तुम्हें अच्छी बातें सुनने को मिले, ये कहा जाए कि ये शख्स बड़ा सखी है, ये शख्स बड़ा खैर का काम करने वाला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्त नापसंद फरमाया और तंबीह फरमाई सहाबा इकराम को कि अल्लाह ताला ने लोगों के दरमियान रिज़्क को तकसीम कर दिया है। अहुम यकसिमून रहमत रब्बिक नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, और बहुत बड़ी खूबी ये होती है किसी ऐसे शख्स के लिए जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया हो कि उसके अंदर सखावत भी रख दी हो। सखावत का ताल्लुक असलन माल से नहीं है, सखावत एक ऐसी चीज़ है जो तंग दिली के बरक्स है। एक शख्स है जिसका दिल बहुत छोटा है और एक शख्स है जिसका दिल बड़ा है, जिसका दिल बड़ा है उसके लिए बड़े माल की ज़रूरत नहीं होती है और जिसका दिल छोटा है उसके पास जितना भी माल हो वो अपने आप को बहुत ही मोहताज और ख़ुद अपने माल का ख़ुद को ज़रूरतमंद समझता है। इसी को कुरान मजीद ने कहा कि वह उहज़िरतिल अनफुसु शुहा, कि दिलों को बुख़ल में और हिर्स में लगा दिया जाता है, दिल मायल हो जाते हैं बुख़ल की तरफ, हिर्स की तरफ। शुह एक अजीब व गरीब सिफत है कि दिल के अंदर तंगी हो, दिल में ये एहसास हो कि मेरे पास जो कुछ भी है कुछ भी ना निकले और दूसरों के पास जो कुछ भी हो सब हमारा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास से आए और मेरे पास से कम जाए। कुरान मजीद में तीन जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये सूरह निसा में इस्तेमाल किया गया वहाँ पर जहाँ पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात का जिक्र किया गया और ये इशारा किया गया कि शौहर चाहता है बीवी की जानिब से कि जो कुछ मेरा हक़ है मुझे मिलता रहे, जो कुछ भी शौहर के हकूक़ होते हैं वो उसको सुनाता रहता है, याद दिलाता रहता है, दीनी मजलिसों में शरीक भी करता है कि हकूक़ सुन कर घर आकर हक अदा करें। और इसके बरक्स मर्द ये चाहता है, मर्द तो ये चाहता है, औरतें ये चाहती हैं कि जो कुछ वो हदीसें हैं जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मर्द औरतों का हक अदा करे, महर वक्त पर दे, नफका है उसके, इलाज का खर्च है, जो कुछ भी उसका खर्च है, औरत अपने हक के बारे में सोचती है, मर्द अपने हक के बारे में सोचता है। वह हज़िरतिल अनफुस शुह, हर एक अपने अपने हक के बारे में सोचता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से इसके बरक्स हो, हर शख्स ये सोचे कि मुझे दूसरे के लिए क्या करना है, तो फिर उसके बाद जो मुआशरा तैयार होता है,
जो खानदान तैयार होता है, जो घराना तैयार होता है, वो एक दूसरे का तआवुन करने वाला होता है, एक दूसरे का काम आने वाला होता है, एक दूसरे के लिए खैरख्वाह होता है। एक दूसरी जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयतें नाजिल हुई कुरान मजीद में, उनमें सूरह हश्र की एक आयत والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم کہ وہ لوگ جو مدینے کے لوگ ہیں انصار ہیں يحبون من هاجر إليهم مکے سے ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں يحبون من هاجر إليهم اور دوسری صفت ان کی یہ ہے ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا کہ اگر مکے سے آنے والے مہاجرین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ الگ سے دیا جاتا ہے, انصار سے زیادہ یا انصار کو نہ دے کر ان کو کچھ زیادہ دیا جاتا ہے چونکہ وہ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں, تو لا يجدون في صدورهم حاجة وہ اپنے دل میں ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے, ذرا دل میں خیال بھی نہیں لاتے کہ ان کو ملا اور ہمیں نہیں دیا گیا. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا اور تیسری صفت جو سب سے عظیم اور سب سے بڑی صفت ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً اپنے آپ پر ان کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کی سخت ضرورت ہو, سخت مصیبت میں ہوں, سخت دشواریوں میں ہوں, تنگی ہو زندگی میں, فقر ہو, خود اپنے مال کی ضرورت ہو, اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا مال ہے اس میں میرے بھائی کا زیادہ حصہ ہو اور میرا کم ہو. اور اس کی تو عجیب و غریب مثالیں صحابہ کرام نے پیش کی, انصار نے, مدینے کے ان لوگوں نے کہ جن کو یہ لقب دے دیا گیا کہ یہ انصار ہیں, مدد کرنے والے ہیں. حضرت سعد ابن الربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی, دونوں کو بھائی بنا دیا تھا. حضرت سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے عجیب و غریب بات کہی کہ میرے بھائی, تم میرے سگے بھائی تو نہیں ہو لیکن اللہ کے نبی اور رسول نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے, اس لیے میرا جو کچھ بھی ہو اس میں تمہارا حصہ ہے اور تمہاری پسند سے ہے, یہ نہیں کہ میں اپنی پسند سے جو چاہوں تمہیں دوں, تمہاری پسند سے میرے پورے مال میں سے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے, تم جتنا چاہو لے لو. حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں, ان میں سے تم جن کو پسند کر لو میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں, تم ان سے شادی کر لو. پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور کوئی شخص یہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ آخرت پر اس کا یقین نہ ہو, جنت اور جہنم کے وعدوں اور وعیدوں پر اس کا یقین نہ ہو, اور یہ یقین نہ ہو کہ اگر یہاں پر ہم تھوڑا سا خرچ کریں گے تو اللہ کی جانب سے عجیب و غریب نعمتیں ملنے والی ہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر کہ جن نعمتوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے ان کے بارے میں سنا ہے, ان کی حقیقت کو نہیں سنا اور دل پر خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ وہ کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی, کیسی کیسی راحت اور کیسے کیسے سامان ہوں گے آسائش اور آرام کے, ان کا تصور بھی نہیں کیا. اس سے زیادہ دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت پیدا کر دینے والا اور ایمان اور اسلام اور قرآن مجید پر یقین کو اور مضبوط کر دینے والا واقعہ وہ ہے جو اس وقت پیش آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, کچھ اپنے گھر سے کھلا دیجئے, اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات ام المومنین کے گھروں میں کہلوا بھیجا کہ ایک مہمان آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے کچھ کھانا بھیج دیا جائے. تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ گھر میں اس وقت کچھ نہیں ہے.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन युज़ीफु ज़ैफ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल मिनकुम मन युज़ीफु हाज़ा रजुल अल-लैला रहिमहुल्लाह, तुम में से कोई है जो आज की रात इस आदमी की मेहमान नवाजी कर सके, इसको खाना खिला सके, अल्लाह की रहमत हो उसके ऊपर। एक शख्स खड़े हुए और उन्होंने कहा अना या रसूल अल्लाह, मैं ये काम करने को तैयार हूँ अल्लाह के रसूल। हमें से हर शख्स सोच रहा होगा कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक होंगे, हज़रत उस्मान गनी होंगे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ होंगे, ऐसे सहाबा होंगे जो बड़े मालदार थे। लेकिन ये हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे, और हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का ये हाल था कि जब घर पहुँचे और उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि आज अल्लाह के रसूल के एक मेहमान हैं जो हमारे घर आए हुए हैं और हमारे घर पे उनको रात का खाना खिलाना है, तो उनकी अहलिया ने कह दिया लैस फिल बैत शैउन लैस इंदना शैउन इल्ला कूत सिबिया, सिर्फ बच्चों का कुछ खाना है जो हमने रख लिया है, हम लोगों के खाने का भी कुछ नहीं है घर में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा करके आए थे, दिल में उस पर मिलने वाली जजा और सवाब का ऐसा यकीन था कि उन्होंने कहा कि जब बच्चों के सोने का वक्त बच्चों के खाने का वक्त आ जाए इज़ा जा वक्त आशा सिबिया फनविमीहिम, जब बच्चों के खाने का वक्त आ जाए तो उनको सुला देना, आज भर उनको सुला देना, फिर उनको खिला लिया जाएगा। लेकिन आज एक मेहमान को खिलाना है, एक ऐसे मेहमान को जो अल्लाह के रसूल का मेहमान है, और एक ऐसे मेहमान को जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक तरफ देखिए और एक तरफ बीवी को देखिए, कैसी खातून थी, कैसी अल्लाह वाली थी, अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त करने को तैयार हो गई। अपनी भूख बर्दाश्त करना आसान है, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं। माँ का दिल होता है जो बच्चों की भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, अगर एक खजूर मिले तो अपने हक में वो बच्चों को दिखाने के लिए गुठली रख लेगी, पूरा खजूर दे देगी बच्चों को, खुद भूखी रह जाएगी। एक माँ के लिए अपना पेट न भरना आसान है, बच्चों को भूखा रखना बहुत मुश्किल है। माँ को अल्लाह ने अजीब व गरीब मोहब्बत दी, उसको भी कुर्बान, माँ की जो ममता होती है उसको भी कुर्बान करने को तैयार हो गए। और जब वक्त आया खाना खिलाने का, तो शौहर ने बीवी से कहा, पहले ही कह दिया था कि देखो जब वक्त खाने का आ जाए तआलै फअतफि अस-सिराज वनतवि अल-बुतून अल-लैलता लिहाज़ा अज़-ज़ैफ अल-करीम, कि जैसे ही वक्त खाने का आए तुम चराग बुझा देना, आज रात हम भूखे रह जाते हैं इस मेहमान के लिए जो मेहमान अल्लाह के रसूल की जानिब से आया है। और चराग बुझा कर सिर्फ इस इरादे से कि कहीं मेहमान के हाथ न रुक जाएं, उनको खाने में कोई तकलीफ ना हो, ये ना सोचें कि आखिर ये क्यों नहीं खा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मेहमान ये समझता रहे कि हमारे मेज़बान भी खाना खा रहे हैं, चराग बुझा दिया और उनको खाना खिलाया और बड़े इज्जत एहतराम के साथ उनको रुख्सत किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सुबह के वक्त वो मेहमान आए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द अजीब अल्लाहु मिन फुलानिन व फुलानतिन अल-लैलत, आज की रात अल्लाह ताला को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी खुशी हुई फला मर्द और औरत से, वो दोनों मियाँ बीवी से, अबू तलहा और उनकी बीवी से, अबू तलहा और उम्मे तलहा से। अजीब व गरीब लोग हैं, घर में खाने को नहीं है, अपने लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, एक तो खाना खिला रहे हैं अल्लाह के रसूल के मेहमान को, फिर खिलाने का अंदाज देखिए। अब उस वक्त अगर रोशनी में रख देते, चिराग में रख देते खाना, मेहमान को तकल्लुफ होता, पेट भर कर ना खाता, अपने साथ शरीक करता, बहुत सोच समझ कर हाथ बढ़ाता। एक तो उन्होंने खाना खिलाया और मेहमान को खबर भी नहीं होने दी कि किस अंदाज से खिलाया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों को भूखा रखा, खुद भूखा रखा अपने आप को। और उसी वक्त ये आयत नाजिल हुई वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा,
खुद तंगी होती है, खुद मोहताजी होती है, खुद जरूरत होती है, उसके बावजूद दूसरों को तरजीह देते हैं, दूसरों को प्रेफर करते हैं, अपने आप को पीछे रख लेते हैं। एक रिवायत में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू तलहा खुद तशरीफ लाए दूसरे दिन, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकद अजीब अल्लाह मिन सनीइकुम अल-बारिहा, अल्लाह ताला को ताज्जुब हुआ और बड़ी खुशी हुई जो कुछ तुमने रात में किया। जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा करना है, खैर के काम करने के लिए जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, खुद से जो तरीक़ा इख्तियार किया, अल्लाह ताला को ये तरीक़ा इतना पसंद आया कि उसी दिन ये आयत नाजिल हुई कि अंसार में कुछ लोग हैं जो अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं और नहायत अहसन तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से दूसरों की मदद करते हैं। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का हाल भी अजीब व गरीब था। आम तौर से आप अगर सीरत पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को कुछ नहीं होता था, और गोश्त और रोटी, गेहूं की रोटी तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो कभी मुयस्सर आ जाए, बहुत मामूली जौ की रोटी और खाने को बहुत मोटा छोटा होता था, लेकिन अगर कोई आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी होता था उसे कुर्बान कर देना चाहते थे। और सखावत तो ये है कि इंसान के पास जो कुछ हो उसमें से खर्च करे, ये ना सोचे कि इस वक्त तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इस वक्त तो सिर्फ दाल है खाने को, इस वक्त तो सिर्फ पानी है मेहमान के सामने रखने को। अगर आपके पास एक सच्ची मुस्कुराहट भी हो तो एक मेहमान को दे दीजिए, घर में आने वाला ये महसूस ना करे कि ये शख्स तो बड़ा तंगदिल है, ये शख्स बड़ा बखील और कंजूस है, मुस्कुरा कर अच्छे अखलाक से मुझसे मिला भी नहीं। अच्छे से न मिलने की जो तकलीफ होती है वो एक कप चाय न पिलाने की तकलीफ से बहुत बढ़कर है। अखलाक से मिलना भी बहुत बड़ी सखावत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कान अजवदन नास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और ये बिल्कुल बुखारी के शुरू की रिवायत है, चंद हदीसों के बाद गालिबन छठी हदीस है बुखारी शरीफ की, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जूद, सखावत और फयाजी के माने ये होते हैं, इताउ मा यंबगी लिमन यंबगी, जो देना चाहिए वो दिया गया, जिसको देना चाहिए उसे दिया गया, जिस वक्त जो देना चाहिए। आपकी जो पोजीशन है, आपका जो मेयार है, आपका जो मर्तबा है माली एतबार से, आपको जो अल्लाह ताला ने जिस मकाम पे रखा है वो देना, और उन लोगों को देना जिनको देना चाहिए। अगर किसी शख्स की हैसियत ज़्यादा देने की है और वो बिल्कुल उसमें से थोड़ा सा देता है तो ये उसकी शान के मुताबिक नहीं। हमने कई मरतबा जनाब यावर बेग साहब की तकरीर में सुना कि लोग अपनी जेब में हाथ डालते हैं और बड़ी नोट आ रही होती है उसको किसी तरह दबा के नीचे, और बिल्कुल छोटा सा जो सिक्का आ रहा होता है उसे देना चाहते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला कर ले कि इसी तरह सोच सोच कर दे, हटा हटा कर दे और बिल्कुल कम से कम दे, तो फिर वो इंसान जो इस तरीके का अमल कर रहा है, कम से कम देना चाहता है, फिर उसकी हालत क्या होगी। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत ज़ुबैर की बीवी थी, उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो थोड़ा बहुत है जो हज़रत ज़ुबैर ने मुझे दिया है, क्या उसमें से भी मुझे खर्च करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा संजीदा होकर इसका जवाब नहीं दिया, और नबी तो जो कुछ बोलता है वही होती है और वो संजीदगी होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अपने घर की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत संजीदगी से उनको पूरा खर्च करने का मसला नहीं समझाया कि ज़कात दे दो तो हक अदा हो जाता है माल का, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत दे दिया तो एहसान की बात है, जैसे हम लोग बहुत बहुत एहतियात के साथ समझाते हैं कि सामने वाला ये ना समझे कि ज़बरदस्ती खर्च करवा रहे हैं मौलाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अपनाइयत से कहा कि अस्मा,
ला तू की फयू का अलैक वला तुहसी फयुहसा अलैक, ये माल को ये बांध बांध के मत रखो कि अल्लाह भी तुम्हें बांध बांध कर दे कि थोड़ा सा है उसमें से जरा सा दे, और गिन गिन कर मत दो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर दे, जो है उसमें से दे दो। अब इतना क्यों पूछ रही हो कि इतना सा है उसमें से दे सकते हैं क्या? और हजरत बिलाल के पास हुजूर ने देखा थोड़ी सी खजूरें रखी हुई हैं, हजरत बिलाल से हुजूर ने फरमाया कि अनफिक या बिलाला वला तख्श मिन ज़िल अर्श इख़लाला, ए बिलाल जो है खर्च करो उसमें से, अर्श के मालिक से इस बात से डरते हो कि वो कम कर देगा, जितनी खजूरें हैं उसमें से देते रहो, अर्श का मालिक है वो जब चाहे जितना चाहे दे सकता है, तुम उसमें से सोचते हो कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरे पास तो थोड़ा ही सा है मैं दूं या ना दूं। दिल में सखावत पैदा करो, अलगिना गिना नफ्स, सखावत वो होती है, मालदारी वो होती है जो दिल के अंदर हो। दिल अगर मालदार है तो थोड़ा माल भी बहुत होता है इंसान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया वकान अजवद मा यकूनु फी रमजान हीन यलकाहु जिब्रील फी कुल्ली लैला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत उस वक्त बहुत बड़ी भी होती थी जब हजरत जिब्रील आपसे आके हर रात मिलते थे, वयुदारिसुल कुरान, और आपसे कुरान का मुजाकरा करते थे, आपका कुरान सुनते थे। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बहुत बड़ी हुई होती थी। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इससे मालूम होता है कि मुबारक मौका हो और मुबारक मजलिस हो तो खर्च करने की और फजीलत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में ज्यादा खर्च करते थे और हजरत जिब्रील जब आते थे तो उस वक्त और ज्यादा खर्च करते थे। وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور پھر آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس نے وَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے تھے تو اس میں سے زیادہ حصہ دے دیتے تھے، اور حضرت عائشہ سے یہ پوچھتے تھے کہ تم نے جو جانور ذبح ہوا تھا اس میں سے کتنا دیا اور کتنا رکھا، تو فرمایا کہ پورا دے دیا اور صرف تھوڑا سا باقی ہے، شانے کا گوشت ہے، الا کتیفن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہہ رہی ہو کہ سب خرچ ہو گیا صرف یہ باقی ہے، سب باقی ہے یہ خرچ ہو جائے گا، یہ ہم کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا، اور جو دے دیا وہ باقی ہے، اللہ کے خزانے میں جمع ہے۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی سخی نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے زیادہ سخی تھے۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں ہم اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں، آپ کے پاس پنکھا نہ ہو، ایئر کنڈیشن آپ کا گھر نہ ہو، آپ کے پاس کچھ نہ ہو، جو مصنوعی سامان جس سے ہم ہوا پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہر وقت تیز ہوائیں چل رہی ہیں وہ کتنی سخی ہوتی ہیں، وہ امیر کے گھر بھی آتی ہیں، فقیر کے گھر بھی آتی ہیں، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ بیان کیا گیا کہ آپ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی تھے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام نے سیکھا تھا کہ جب بحرین سے مال آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو دیا تو انصار نے یہ کہا کہ ہم یہ مال نہیں لیں گے، آپ پہلے مہاجرین کو بھی دیجیے۔ ہم یہ سوچ سکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں دیا جاتا کہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر دے رہے ہوں گے اور ہم زیادہ محتاج ہوں گے اس لیے دے رہے ہوں گے، ہمیں لے لینا چاہیے، لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے اتنا سوچتے تھے کہ کہا نہیں مہاجرین کو بھی آپ دیجئے تو ہم لیں گے ورنہ ہم نہیں لیں گے۔ یہ انصار کی عجیب و غریب خصوصیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس وقت سے لے کر فتح مکہ تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی بھی انصار نے آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اسلام کے ساتھ احسان کر چکے، دے چکے جو دینا تھا، جو خیر کا کام کرنا تھا وہ کر چکے، ہر لمحے اسی پوزیشن میں رہتے تھے کہ ابھی کچھ نہیں کیا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ آخری تک انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تأثر دیا۔ حضرت قیس ابن سعد بن عبادہ تھے، سعد ابن عبادہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کے بیٹے تھے، ان کو ایک مرتبہ یہ محسوس ہوا کہ میں بیمار ہوں اور لوگ میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آ رہے، تو انہوں نے سوچا کہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں،
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इतने करीब के लोग हैं, और हमेशा मैं बीमार होता था तो इयादत करने के लिए आते थे। आखिर क्यों इयादत करने नहीं आ रहे हैं लोग, कोई ना कोई वजह ज़रूर है। तो एक शख्स से उन्होंने पूछा कि क्यों लोग मेरी इयादत करने नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अक्सर लोग तो आपके मकरूज हैं, आपसे कर्ज लिए हुए हैं, आपके पास आने में शर्म महसूस करते हैं। क्या आपके पास आएंगे तो उनके दिल में ये बात आएगी कि उनका कर्ज अदा करना है और शर्म महसूस करते हैं आपके पास आने से। हजरत कैस ने फरमाया, अख़ज़ल्लाहु मालन यमनउ अल-इख़वान मिन अज़-ज़ियारा, अल्लाह ताला ऐसा माल छीन ले जो भाइयों को मुलाकात से रोकता है, जो भाइयों को आने नहीं देता है, जो हमसे मिलने नहीं दे रहा, उनको हिजाब हो रहा है कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे, पता नहीं ये तो नहीं सोचेंगे कि मेरे माल के लिए आया है, ये तो नहीं सोचेंगे कि ये ज़बरदस्ती इस वक्त अपना कर्ज अदा करवा के रहेगा। और ऐलान करवा दिया उन्होंने, इतना ही नहीं किया, सब में ऐलान करवा दिया कि जितने लोग हमारे कर्जदार हैं सबका कर्ज हमने माफ़ कर दिया, किसी से मुझे कर्ज वापस नहीं चाहिए, सबका हमने माफ़ कर दिया। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सखी इंसान की इतनी फजीलत बयान फरमाई और उसका इतना दिल बढ़ाया कि आपने फरमाया कि जो शख्स सखी होता है वो करीब होता है अल्लाह से, करीब मिन अल्लाह व करीब मिन अन्नास व करीब मिन अल-जन्ना व बईद मिन अन्नार। जो सखी होता है वो अल्लाह से भी करीब है, लोगों से भी करीब है, जन्नत से भी करीब है, दूर है तो सिर्फ जहन्नम से दूर है। वल बखीलु बईद मिन अल्लाह बईद मिन अन्नास बईद मिन अल-जन्ना करीब मिन अन्नार। और जो बखील है वो अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर और जहन्नम से करीब। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लफ़कीरुन मुनफिकुन, जो शख्स कम माल वाला है लेकिन खर्च करने वाला है, सखीयुन सखी है, वह खैरुन मिन गनीयिन मुमसिकिन, उस गनी से बेहतर है कि जो अपना माल रोक कर रखने वाला। और हमने वो मशहूर हदीस सुनी होगी कि हर रोज़ दो फरिश्ते अल्लाह की जानिब से आते हैं और अल्लाह से सुबह और शाम ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफन, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन, अल्लाह खर्च करने वाले को उसका बदला दे दीजिए। फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन, और अल्लाह रोक कर रखने वाले के माल को बर्बाद कर दीजिए। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं हर रोज, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफन, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन। इसी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में जिक्र फरमाया, और कुरान मजीद की आयत उसके लिए काफ़ी है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युख्लिफु, जो भी तुम माल खर्च करते हो उसके पीछे एक माल लगा दिया जाता है अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की जानिब से उसके बदले का फैसला कर दिया जाता है, वो माल अल्लाह के ख़जाने में रोक कर नहीं रखा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक का ये कीमती मौका हमें नसीब फरमाया है जिसमें हमें तमाम इबादतें करनी चाहिए। इबादतों की कई किस्में होती हैं, एक है माली इबादत, एक है जिस्मानी इबादत, एक वो इबादत है जो माली भी है जिस्मानी भी है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल इस्लाम के अरकान में है, नमाज है जो सिर्फ बदनी इबादत है जिस्मानी इबादत, रोज़ा है जो सिर्फ बदनी इबादत है, इफ्तार में जो खर्च होता है वो हम अपने लिए करते हैं, अगर नियत अच्छी कर लें तो उस पर भी इबादत का सवाब मिलता है, लेकिन इफ्तार फ़ी नफ्सी ही इबादत नहीं, फ़ी ज़ाती ही इबादत नहीं, रोज़ा भी बदनी इबादत, ज़कात खालिस माली इबादत, और हज बदनी इबादत भी है माली इबादत भी। इंसान अपने जिस्म से भी मेहनत करता है और माल से भी मेहनत करता है। रमज़ानुल मुबारक का ये कीमती मौका जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी सखावत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देते थे, हमें बदनी इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और ये जाहिर है कि अल्लाह का हक़ है जो भी हम बदनी इबादत करते हैं, और जो माली इबादत हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अपनी ज़कात का निकालना, और ज़्यादातर मुसलमान रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं,
और इस वजह से भी निकालते हैं कि इसमें हर फर्ज का सवाब 70 गुना हो जाता है, 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर किसी का साल रमज़ान के अलावा में भी पूरा हो जाता है तो उसको जल्द अज जल्द अपनी ज़कात निकाल देनी चाहिए, फिर उस फजीलत के लिए रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक तो ज़कात है, ज़कात के अलावा हदीस में आया इन फिल माल हक्कन सिवा ज़कात, माल में ज़कात के सिवा भी हक है, और उन्हीं के बारे में कुरान मजीद ने फरमाया उलाइकल लदीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून, वही लोग हैं जो सच बोलने वाले हैं और सच्चाई पर कायम रखने वाले हैं, और वही लोग हैं जो तकवे वाले हैं। और अल्लाह की तरफ से अजीब व गरीब मामला है कि जैसा अमल होता है अल्लाह की तरफ से सवाब भी वैसे ही मिलता है, और अगर वो अमल नहीं किया गया तो उसका गुनाह भी और उसकी सज़ा और उसका अजाब भी उसी अंदाज का होता है। कुरान मजीद में जिक्र किया गया الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, जो सोने चांदी को जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। कुरान ने मजाक उड़ाया है, मजाक के अंदाज में कहा कि उनको दर्दनाक अजाब की खबर नहीं सुना दीजिए, जरा उनको खुशखबरी दे दीजिए, ये उनके हक में बड़ी अच्छी खबर है अगर वो समझते हो अच्छी खबर, कि एक दिन आएगा यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, कि जिस दिन उनके माल को सोने चांदी को आग में तपाया जाएगा। अब देखिए जो सजा बयान की गई है, ये होता कि उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा मसलन, ये नहीं बयान किया। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उन्हीं के माल से, उन्हीं के सोने चांदी से उन्हीं को आग में गर्म करके और उसके बाद उनकी पेशानी को उससे दागा जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, सबसे पहले अगर फकीर या कोई मांगने के लिए आता है और न देने वाला नहीं देना चाहता है, जो जमा करके रखना चाहता है जिसके बारे में वईद है, सबसे पहले उसके पेशानी पे बल आता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे पहले उसी पेशानी को सजा दी जाएगी। फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम, उसके बाद वो क्या करता है, अपने पहलू बदल देता है, कहता है भाई हमसे नहीं हो सकेगा और अपना रुख फेर लेता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो बाजू पलट कर और बगल फेर कर पहलू बदल कर निकल जाता है तो उसके पहलू को हम दागेंगे। वज़ुहूरुहुम, और फिर पीठ फेर कर चला जाता है, उसको खातिर में नहीं लाता, उसको लिफ्ट नहीं देता है, पीठ फेर कर चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर उनकी पीठ को दागा जाएगा और साथ में ऊपर से ये कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम, ये वो है जो तुमने अपने लिए जमा करके रखा था और अल्लाह का हक उसमें से नहीं निकाला था। फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो आज मज़ा चखो जो तुम जमा करके रखते थे और समझते थे कि हमेशा तुम्हारे काम आने वाला है। ऐसी सख्त वईदें जहाँ मौजूद हों वहाँ हमारा अपने मालों से इस तरह मोहब्बत करना, इस तरह से चिमट जाना कि जैसे अगर थोड़ा भी इसमें से खर्च हो जाएगा तो वापस नहीं मिल पाएगा, ये शुह है। और जिसको शुह से बचा लिया गया वो सबसे ज़्यादा कामयाब। वमन युका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिसको अपने दिल के बुख़ल से, लालच से बचा लिया गया, यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अल्लाह के जो भी हुकूक़ हैं उनको अदा करने की तौफीक अता फरमाए, बंदों के जो हुकूक़ हैं उनको अदा करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया में भी हमारी ज़िंदगी में चैन, सुकून और आराम नसीब फरमाए, और आखिरत में भी हमेशा दायमी राहत और सुकून अता फरमाए और जन्नत में दाखला नसीब फरमाए। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।